ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जैसे कि मैंने बताया हम शुरू करेंगे बेसिक्स के साथ, इस बात को अज्यूम करते हुए कि आपको बेसिक्स नहीं पता। तो सबसे पहले द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जैसे ही आप सुनते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। अभी मैं आपको पूछूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। क्या ये सारे आंसर्स करेक्ट है? हाँ करेक्ट है, लेकिन आप अभी सोचो, कोई कॉमन मैन है, कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, वो जानता है कि आप सीए कर रहे हो और वो आपको पूछता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एंड समझो आपने उसको रिप्लाई दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस जो आईसीएआई इश्यू करता है। मुझे बताइए, आपके पास से ये आंसर मिलने के बाद क्या आपके दोस्त को पता चलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली होते क्या है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसको एकदम बेसिक्स वर्ड्स में समझेंगे, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। तो मैं आंसर देता हूं, सबसे सिंपल और अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड जब मैं ये आंसर दूंगा, ये आंसर आपको थोड़ा फनी लगेगा इनिशियली, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे हंस रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन पूछा और आंसर उसका उल्टा दे दिया। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये खाली मैंने उल्टा नहीं किया है, यहाँ पे हर वर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझिए वो इंपॉर्टेंस को। जब मैं बोलता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले हमें समझना है ये वर्ड स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है, या फिर हम रियल लाइफ में ये वर्ड स्टैंडर्ड का यूज कहां पे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझिए। समझो मैं आपको बोलता हूं ये 100 ग्राम पैकेट है, 100 ग्राम स्टैंडर्ड पैकेट है अमूल बटर का। तो जैसे ही आप सुनते हो कि ये स्टैंडर्ड 100 ग्राम पैकेट है अमूल बटर का, ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में क्या थॉट्स आने लगते हैं कि हर 100 ग्राम का पैकेट उसका सेम साइज होगा, शेप होगा, टेस्ट होगा, कलर होगा, वेट होगा। इन अदर वर्ड्स वो हर तरह से आइडेंटिकल होगा, हर तरह से आइडेंटिकल होगा मतलब हर तरह से सेम होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग सेम है, मतलब क्या है, आइडेंटिकल। लेकिन ऑब्वियसली जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम पैकेट्स ऑफ बटर को स्टैंडर्डाइज नहीं करने की बात करेंगे, हम किस चीज को स्टैंडर्डाइज करने की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मतलब जब मैं बोलता हूं व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, चीजों को आइडेंटिकल बनाना। तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यहां पे हमें किसे आइडेंटिकल बनाना है, किसे सेम बनाना है, अकाउंटिंग को। तो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन सुन के आप सोचोगे कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट को ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे, अकाउंटिंग क्या होता है, मुझे बताइए अकाउंटिंग क्या होता है, या फिर आपके दिमाग में क्या आता है जब ये वर्ड अकाउंटिंग सुनते हो आप। या मैं ही थोड़े आंसर ले लेता हूं, मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आएगा, अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग मतलब लेजर अकाउंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, बराबर है, क्या ये चीजें अकाउंटिंग होती है? हाँ। लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो हमें अभी समझना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर उसका क्या मीनिंग है। तो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो. अकाउंटिंग का मतलब होता है पांच चीजें. कौन सी? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स. मैं रिपीट कर देता हूं. हमने बोला व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल, मतलब चीजों को सेम बनाना. यहां पे हमें किसे सेम बनाना है? अकाउंटिंग को. तो मैंने आपको पूछा अकाउंटिंग का क्या मतलब है. सिंपल मीनिंग होता है जर्नल एंट्रीज, लेजर, पीएनएल, बैलेंस शीट. लेकिन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, अकाउंटिंग वर्ड का स्पेशल मीनिंग है. क्या मीनिंग है? जैसे अकाउंटिंग मतलब पांच चीजें, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर. मतलब ये लोग क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि जब आप किसी भी चीज की अकाउंटिंग करते हो, आप इन पांच चीजों को करते हो. मैं रिपीट करता हूं सेंटेंस. जब आप अकाउंटिंग किसी भी चीज की करते हो, आप ये पांच चीजें करते हो. मुझे सोच के बताओ, क्या आप ये पांच चीजें एक्चुअली करते हो जब आप अकाउंटिंग करते हो? चलो चेक कर लेते हैं. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं उस बारे में जो आपको ऑलरेडी पता है. कौन सा एग्जांपल? डेप्रिसिएशन. अभी आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बराबर है? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए. जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम ये एसेट को यूज कर रहे हैं, उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है एंड देयरफॉर उसकी वैल्यू घट रही है. ये जो वैल्यू घट रही है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करते हो, आपको पता चलता है कि एसेट की वैल्यू घट रही है, बराबर है? एक बार आपने रिकॉग्नाइज किया कि एसेट की वैल्यू घट रही है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? हम ट्राई करते हैं मेजर करने को कि एसेट की वैल्यू कितने अमाउंट से घट रही है. तो समझो मेरे पास एक एसेट है, मुझे पता चला कि ये एसेट अगर मैं इसी तरह से यूज करता रहा तो मैं उसे इस साल यूज कर पाऊंगा और इस साल के बाद और चार साल, मतलब टोटल पांच साल. तो इस बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि टोटल एसेट की कितनी वैल्यू घट रही है हर साल. अगर एसेट पांच साल में कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, या पांच साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टोटल हर साल उसकी वैल्यू कितने से घट रही है? 20%. तो सबसे पहले मैंने रिकॉग्नाइज किया कि एसेट की वैल्यू घट रही है, उसके बाद मैंने मेजर किया कि उसकी वैल्यू हर साल 20% से घट रही है. ये दोनों होने के बाद अभी लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? मैं उसकी नेसेसरी ट्रीटमेंट दूंगा. अभी क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट होती है? वेरी सिंपल, हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे एंड फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेंगे. अभी ये ट्रीटमेंट हम हर फिक्स्ड एसेट के लिए देंगे जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी. तो हमने पहले रिकॉग्नाइज किया कि एसेट की वैल्यू घट रही है, बाद में मेजर किया कि उसकी वैल्यू हर साल 20% घट रही है, एंड उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट दी. अभी ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन का क्या प्रेजेंटेशन होता है, मतलब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कैसे दिखाते हैं और कहां दिखाते हैं? तो ये आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है. डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है एज वन सिंगल नंबर पीएनएल में डेबिट साइड पे. वो सिंगल नंबर क्या होता है? वो टोटल होता है. हमने जो सारी ट्रीटमेंट दी है उन सब का टोटल करके पीएनएल में डेबिट होता है. एंड प्रेजेंटेशन के बाद आखिरी स्टेप क्या होता है? डिस्क्लोजर. अभी क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन की डिटेल्स कहां डिस्क्लोज की जाती है, मतलब कंपनी कहां पे लिखेगी ऐसा सेंटेंस कि प्लांट एंड मशीनरी को 15% पे डेप्रिशिएट किया गया है? ऐसा सेंटेंस नॉर्मली कहां पे लिखा जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में. मतलब जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं, क्या हम ये पांचों चीजें कवर करते हैं? यस. तो मैं अपने बेसिक क्वेश्चन पे वापस लौटता हूं. व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर
स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को आइडेंटिकल करना, सेम करना। एंड अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है? ये तो जब मैं बोलता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, हमें कौन सी चीजों को सेम करना होगा, इन चीजों को, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या इंश्योर करेंगे, ध्यान से समझना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर करेंगे कि अगर दो कंपनीज है एंड दोनों के पास फिक्स्ड एसेट्स है, तो दोनों कंपनीज अपनी डेप्रिसिएशन के लिए ये पांचों चीजें सेम करेगी। आई होप आप समझ रहे हो कि अगर दोनों कंपनी ये पांचों चीजें सेम करेगी तो ऑटोमेटिकली उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइडेंटिकल हो गए, या वी कैन से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंडर्डाइज हो गए। ये पॉइंट समझ में आया? एनी डाउट्स हियर? ओके, आई कैन सी योर रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी मैं सेकेंड पॉइंट पर प्रोसीड कर रहा हूं। अच्छा, अगर किसी को डाउट्स है तो मैं ये समझाने के बाद रिवाइज करूंगा, रिवाइज होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा एंड उसके बाद आपको कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, डोंट वरी, मैं एड्रेस कर दूंगा। अभी मैं सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूं। ये सब बेसिक्स है, आई होप कोई लिख नहीं रहा है वहां पे, कॉपी करने का टाइम मिलेगा, प्लीज समझ लो पहले। अभी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए हैं? इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ध्यान से देखना। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपको आते हैं तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सकते हो बेहतर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये कंपैरिजन करने में मदद करता है। मैं रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव्स, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में मदद करता है। तो चलो इस ऑब्जेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपको आते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे समझ पाओगे? एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। समझो तुमको कोई किसी कंपनी की बैलेंस शीट देता है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको किसी ने टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट दी। अभी टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपने क्लोजिंग स्टॉक देखा एंड क्लोजिंग स्टॉक में दो नैनो कार्स है एंड अमाउंट की कॉलम में लिखा गया है 1,60,000। मैं रिपीट करता हूं एग्जांपल, किस कंपनी की बैलेंस शीट है? टाटा मोटर्स। उसमें एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिख रहा है? दो नैनो कार्स है एंड अमाउंट की कॉलम में लिखा है 1,60,000। तो मुझे बताइए, ये दो नैनो कार्स के लिए अमाउंट लिखा है 1,60,000, तो क्या आपको ऐसा डाउट आएगा कि ये लोग न्यूज़पेपर में तो बोल रहे थे कि गाड़ी 1,00,000 रुपए में बेचेंगे एंड अगर दो गाड़ी है तो अमाउंट 2,00,000 होना चाहिए था, ये अमाउंट 1,60,000 क्यों है? क्या आपको ये डाउट आएगा, या आप जानते हो ये 1,60,000 क्यों है? आप जानते हो कैसे? ये 1,60,000 क्या है? ये कॉस्ट है नैनो कार का एंड सिंस ये कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक है, कंपनी ने इसे वैल्यू कैसे किया हुआ है? कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। तो अभी समझिए, वो 1,60,000 को आप समझ क्यों पाए, आपको वो नंबर में डाउट क्यों आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आप ऑलरेडी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हो जो उसके वैल्यूएशन में गया है। मुझे बताइए, हम किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? AS2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो आप ये नंबर 1,60,000 समझ पाए क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हो। डिड यू रियलाइज कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो इट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस। मतलब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, समझो हम वही बैलेंस शीट अगर किसी इंजीनियर को देते हैं तो क्या उसको ये डाउट आ सकता है कि दो नैनो कार है तो अमाउंट 2,00,000 होना चाहिए था, 1,60,000 क्यों है? हाँ, उसको ये डाउट आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता होगा, आपको और मुझे वो डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मालूम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। हमने क्या बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कंपैरिजन में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। अभी जब मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं,
ये भी दो टाइप होता है कंपैरिजन, क्या? पहला खुद के साथ कंपैरिजन, सेल्फ, और दूसरा दूसरी कंपनीज के साथ कंपैरिजन। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो खुद के परफॉर्मेंस के साथ कैसे कंपैरिजन हो सकता है? वेरी सिंपल, कंपनी के पास खुद का पिछले साल का नेट प्रॉफिट नंबर होगा, कंपनी को मालूम होगा कि पिछले साल में उसने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, अभी करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आएगा। समझो अगर करंट ईयर में सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं तो कंपनी डायरेक्टली दोनों नेट प्रॉफिट नंबर कंपेयर कर सकती है। क्यों? क्योंकि दे आर कंपेरेबल। लेकिन अगर करंट ईयर में कंपनी ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चेंज किया है तो फिर अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आता है तो ही आप पिछले साल का और इस साल का परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो, वरना कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ये कंपैरिजन पहली टाइप का हुआ, ये खुद का कंपैरिजन इस साल का खुद के पिछले सालों के परफॉर्मेंस के साथ है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट होता है वो क्या है? कंपैरिजन अपने कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस के साथ। मतलब अगर मैंने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया उस हिसाब से मुझे कुछ नेट प्रॉफिट आया, सिमिलरली दूसरी कंपनी ने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया और उसको क्या नेट प्रॉफिट आया, अगर मुझे ये दो नंबर्स कंपेयर करने हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज मुझे हेल्प करती है। इस चीज के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। समझो दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, से हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC। एक एग्जांपल ध्यान से समझो, लेट्स से दोनों कंपनीज के सारे नंबर सेम है, सेल्स सेम है, एक्सपेंसेस सेम है। अगर मैं इतना बोलता हूं तो ऑटोमेटिक कंक्लूजन क्या होगा, तो फिर दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए। लेकिन नेट प्रॉफिट दोनों का अलग है। क्यों दोनों का नेट प्रॉफिट अलग है? सारे नंबर सेम है लेकिन दोनों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्यों अलग है? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने SLM मेथड फॉलो की है, ITC ने WDV मेथड फॉलो की है। तो मुझे बताओ अगर आपको इन दोनों का परफॉर्मेंस अभी कंपेयर करना है तो क्या आप डायरेक्टली दोनों का नेट प्रॉफिट नंबर कंपेयर कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को ये नेट प्रॉफिट नंबर दूसरी दूसरी मेथड फॉलो करके मिला है। तो अभी अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा ITC की मेथड अज्यूम करके, या वाइस वर्सा ITC का नेट प्रॉफिट नंबर डिराइव करना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर की मेथड फॉलो करके। लेकिन हम ये कब कर पाएंगे? ओनली इफ हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो मैं समराइज करता हूं इस पॉइंट को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस या एडवांटेज क्या है, क्यों बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दो रीजन से, एक वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में मदद करते हैं और दूसरा वो आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करने में मदद करते हैं। एंड कंपैरिजन मैंने बोला दो टाइप का होता है, एक खुद का इस साल का परफॉर्मेंस विद खुद का पिछले साल का परफॉर्मेंस, और दूसरा कंपैरिजन अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। ओके, अब मैं प्रोसीड करता हूं थर्ड पॉइंट जो आपके खास काम का है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैं जब इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं दो तरह से इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। सबसे पहले जिसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंस है, एंड उसके बाद लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, या मैं कह सकता हूं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अपना पहला टारगेट क्या है? एग्जाम। तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है फाइनल CA में? यस। कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिए, अकाउंट्स पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कम से कम 48 से 52 मार्क्स के लिए। मैं रिपीट करता हूं, अकाउंट्स का पेपर फाइनल CA में 100 मार्क्स का होता है, उसमें से कम 48 से लेके 52 मार्क्स तक के क्वेश्चन खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब मैं बोल रहा हूं 48 से 52, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, इसके अलावा के जो मार्क्स आते हैं वो कौन सी टॉपिक के ऊपर आते हैं ध्यान से समझिए।
इसके अलावा के मार्क्स आते हैं, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में फाइनल सीए में जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, या उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी उसके ऊपर 16 या 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, लेकिन जो चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो है अकॉर्डिंग टू AS 21। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में 16 से 20 मार्क का, वो आता है एक चैप्टर है आपके सिलेबस में जिसका नाम है अमेलगमेशन, वो चैप्टर में से आता है। अभी जो चैप्टर है अमेलगमेशन वो है इफेक्टिवली AS 14। मतलब अगर आप एक तरह से देखो तो फाइनल सीए का पूरा अकाउंट्स का पेपर एक ही टॉपिक में से आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, क्या एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? नहीं, इंपॉर्टेंस इससे भी ज्यादा है। कैसे? आपके ऑडिट पेपर में कम से कम 16 से 22 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई रिपीट, अकाउंट्स पेपर में 100 में से 48 से 52 मार्क्स, ऑडिट पेपर में 16 से 22 मार्क। मतलब अगर आप टोटल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स फाइनल सीए में इस एक टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आते हैं। अभी फाइनल सीए का टोटल मार्क्स होते हैं 8 सब्जेक्ट 800 मार्क, जिसमें से 80 मार्क एक ही टॉपिक में से आने वाले हैं जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक को लव करो या हेट करो, इसे इग्नोर मत करो, लेक्चर ध्यान से बैठो। राजकोट थर्ड बेंच, हाँ स्ट्रेट हो जाओ, बराबर, थैंक यू। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं, ये इंपॉर्टेंस आपके लिए बताया था सो दैट आप जाग जाओ। ठीक है, मैं प्रोसीड करता हूं। ये तो हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस कि मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जाता हूं लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू या करियर पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान से समझना। सी, आप फाइनल सीए में पहुंचे हो तब तक आपको क्या पता चला है कि अगर क्वेश्चन दिया तो उसे सॉल्व कैसे करना है। समझो अगर आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन दिया तो उसे सॉल्व कैसे करना है वो आप पाते हो, लेकिन ये क्यों करना है वो ज्यादातर आपको पता नहीं है। मतलब जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे फाइनल सीए में, अपना ऑब्जेक्टिव एक ही है, कोई भी चीज हम क्यों कर रहे हैं वो समझनी है। मैं क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आंसर हम थोड़े लेक्चर्स के बाद देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझिए। आपने अर्लियर लेवल पे गुडविल पढ़ा होगा, अभी आपको किसी ने ऐसा समझाया रहेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेस्ड गुडविल दिखाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है इसके पीछे का लॉजिक कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं दिखाते, परचेस्ड गुडविल क्यों दिखाते हैं? ये जो लॉजिक है, ये जो वाई वाला क्वेश्चन है, ये हम ध्यान से समझेंगे यहां पे लेक्चर्स के अंदर। एंड मेरी बात समझिए, अगर फाइनल सीए अकाउंट्स में आपको स्कोर करना है तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको हर चीज में ये वाई क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको मालूम है गुड, अगर आपको नहीं मालूम है तो जब भी मैं आपकी ब्रांच के साथ इंटरेक्शन करूंगा जो थोड़ी टाइम के बाद मैं चालू करने वाला हूं, हर क्वेश्चन मुझे प्लीज पूछ लिया कीजिए। घर जाने के पहले आपके माइंड में एक भी अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी मैं मेजर पार्ट ऑफ द लेक्चर हिंदी में ले रहा हूं, लेकिन मैं बीच बीच में इंग्लिश सेंटेंसेस बोला करूंगा, उसका एक पर्पज है। हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि समझना हिंदी में ईजी है, लेकिन इंग्लिश सुनना जरूरी है क्योंकि आपको अगर एग्जाम में पेपर लिखना है तो पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है। अभी अगर आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है वो पॉसिबल होगा ओनली इफ आपने इंग्लिश में कभी सुना होगा लेक्चर। तो मेन पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में कर दूंगा, लेकिन बीच बीच में जहां इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहे हैं वो सेंटेंस हिंदी के बाद मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा, सो दैट आपको पता चले कि ये जो कॉन्सेप्ट समझा उसको अगर एग्जाम में लिखना है इंग्लिश में तो हम कैसे लिखेंगे। इज दिस ओके? ठीक है, अभी मैं प्रोसीड करता हूं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना। कंपल्शन,
कंपल्शन मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है. आई रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है. मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहता हूँ. जितने जन बोलते हैं कंपलसरी है प्लीज हाथ रेस कीजिए. अच्छा, जितने जन बोलते हैं ऑप्शनल है प्लीज हाथ रेस कीजिए. अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. राजकोट में आधे बच्चे ऑप्शनल में हाथ ऊपर कर रहे हैं, बाकी के आधे किसी ऑप्शन में ऊपर नहीं कर रहे हैं. तो अभी तीसरा ऑप्शन मुझे देना पड़ेगा. ओके, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, इसके लिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ. जनरल, टेक्निकल हम बाद में बात करते हैं. समझो आप गाड़ी चला रहे हो, उधर सिग्नल है, सिग्नल पे रेड लाइट है. तो अगर रेड लाइट है तो सिग्नल पे रुकना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपलसरी है. आंसर क्यों? क्योंकि सिग्नल की वो साइड पे एक हवलदार खड़ा है, मतलब अगर नहीं रुके तो पेनल्टी लगेगी. बराबर है? उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? क्या है? कंपलसरी है. क्यों? इधर भी हवलदार है. कितने हवलदार है? दो हवलदार है. ध्यान से समझिए. पहला, लॉ बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है. कौन सा लॉ बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है. अच्छा, कंपनीज एक्ट में कहां पे लिखा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है? ये आपको पता है, आईपीसीसी में आपने ऑडिट में ये सीखा है. करेक्ट. मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे सेक्शन 211 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 211 बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना किसको कंपलसरी है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को कंपलसरी है. मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसे एंश्योर करना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना रहे हैं, जब अपना पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बना रहे हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हैं. कंपलसरी है? हाँ है. किसके लिए है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अभी समझो लॉ ने तो बोल दिया कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करते तो फिर क्या होगा? कोई तो होना चाहिए ना उनका काम देखने के लिए. तो दूसरा कंपल्शन क्या है? दूसरा कंपल्शन, ऑडिटर. आपको पता है हर कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी होती है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो ऑडिट कर रहा है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए हैं या नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला कंपल्शन है लॉ का. सिकर, फर्स्ट बेंच, थ्री गर्ल्स, प्लीज स्टॉप टॉकिंग. ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं. हमने बोला कंपल्शन दो तरह का है. पहला लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है. कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में कहां लिखा गया है? सेक्शन 211. पहला कंपल्शन. एंड दूसरा, ऑडिटर ऑफ द कंपनी को चेक करना है कि क्या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं या नहीं. सो लास्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी और ऑप्शनल? कंपलसरी. क्या कंपल्शन है? वेरी सिंपल, इट इज लाइक दिस. लॉ बोलता है फॉलो करो, एंड लॉ ऑडिटर को बोलता है आप चेक करो. अभी समझो जब ऑडिटर ने चेक किया, उसे पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए गए हैं, तो क्या करना है ऑडिटर को? उसे रिपोर्ट करना है. कैसे रिपोर्ट करना है? उसे एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है. क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट उसे किसको इश्यू करना है? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को इश्यू करना है, जिसमें वो लिखेंगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मैं रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड वो फॉलो हुए हैं या नहीं वो चेक करना कंपलसरी है बाय द ऑडिटर. एंड अगर फॉलो नहीं हुए हैं तो ऑडिटर के ऊपर एक और कंपल्शन है. क्या? उसे सर्टिफाई करना है या क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है
जिसमें वो शेयर होल्डर्स को बताएगा कि फाइनेंस स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर नहीं किए गए. इज इज ओके. ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं. नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, GPFS. आप सोच रहे होंगे इसका क्या फुल फॉर्म है. वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए. हमें चेक करना है कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कौन सी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना जरूरी है. मतलब आप जानते हो रेगुलर बेसिस पे एक कंपनी अलग अलग चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट में सबमिट करती है. मतलब कंपनी कभी कुछ स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगी, कभी कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगी, कभी कुछ ROC को भेजेगी, कभी कुछ शेयर होल्डर्स को भेजेगी. तो ये जो सारे सबमिशंस कंपनी कर रही है उसमें से कौन सी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके बनानी चाहिए ये हमें जानना है. अभी स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैं रिपीट करता हूं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब बनाते हैं उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना चाहिए. तो क्वेश्चन, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? चार चीजें आएगी. कौन सी चार चीजें? बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स. मतलब जब कंपनी इन चार चीजों में से कोई भी चीज कहीं पे भी सबमिट कर रही है, कंपनी को इंश्योर करना है कि वो चीज एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है और उसके बाद ही उसे सबमिट किया जाना चाहिए. तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, समझो कंपनी कुछ लेटर लिख के भेजती है स्टॉक एक्सचेंज को, तो क्या ये लेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना जरूरी है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो लेटर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है. तो समरी, कौन सी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना है. एंड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कौन सी चीजें? चार चीजें. क्या? बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स. अब ये चार चीजों की बात करते हैं. आप जानते हो ये तीन चीजें, बैलेंस शीट, PNL और कैश फ्लो, ये तीन में नंबर्स ही आएंगे. और ये नंबर्स आए कैसे हैं उसका एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा. मतलब समझो, कंपनी फॉलो करती है WDV मेथड, 15% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो उस हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो PNL में डेबिट होएगा एंड बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से वो अमाउंट घटेगा. लेकिन वो अमाउंट आया कैसे उसका एक्सप्लेनेशन या उसका जस्टिफिकेशन कहां पे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में. तो मैं रिपीट करता हूं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना कंपलसरी है. चार चीजें होती है जनरल पर्पस, कौन सी? बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स. इज दिस ओके? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इसका आंसर तो मैं मानता हूं कि आपको ऑलरेडी पता होगा. इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? फिलहाल ICAI ने टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हैं, 1 to 32, जिसमें से AS 8 जो इश्यू किया गया था उसे कैंसल कर दिया गया है. मैं रिपीट करता हूं, टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने इश्यू हुए? 32, जिसमें से AS 8 कैंसल कर दिया गया है. मतलब आज की तारीख में एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में कितने हैं? 31, टोटल 1 to 32, जिसमें से AS 8 कैंसल हो गया. ठीक है, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, ध्यान से सुनिए. कैटेगरीज, इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रियल लाइफ में किसे फॉलो करना है? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबको फॉलो करना है? क्या आपको और मुझे भी फॉलो करना है? नहीं, रियल लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसे फॉलो करना है? कंपनीज को फॉलो करना है. अभी इंपॉर्टेंट, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंपनी को फॉलो करना है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी साइज हो? नहीं. CA इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उन्होंने सारी कंपनीज को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है, जिसे बोलते हैं लेवल 1,
और 3। अभी कंपनी जिस लेवल में आएगी उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कंपनी को कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। ओके, अभी ये लेवल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। ये जो लेवल 1 है ये स्ट्रिक्टेस्ट कैटेगरी है, मतलब अगर कोई कंपनी लेवल 1 में आती है तो उसको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। लेवल 2 थोड़ा माइल्ड लेवल है, मतलब अगर लेवल 2 में कोई कंपनी आती है तो उसको थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। और लेवल 3 सबसे माइल्ड कैटेगरी है, मतलब अगर कोई कंपनी लेवल 3 में आती है तो उसको ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, लेवल 1 स्ट्रिक्ट कैटेगरी, मतलब अगर कोई लेवल 1 में है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने। लेवल 2 थोड़ी माइल्ड कैटेगरी, तो अगर कोई लेवल 2 में आता है तो उसे थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करने हैं। और लेवल 3 माइल्डेस्ट कैटेगरी, मतलब अगर कोई कंपनी लेवल 3 में आती है तो उसको मेजॉरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करने। अभी इंपॉर्टेंट, हमने जो ये लेवल 1 2 और 3 यहां पे डिस्कस किया ये खाली आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि आपको एग्जाम में जो भी कंपनी दी जाती है क्वेश्चन में, आपको अज्यूम करना है कि वो कंपनी लेवल 1 की है और वो कंपनी को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। मतलब जब आप एग्जाम में सम देखते हो तभी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या इस कंपनी को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। हमेशा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको अज्यूम करना है जो कंपनी एग्जाम के पेपर में दी है वो कंपनी लेवल 1 है, और अगर वो लेवल 1 है तो उसको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज जो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिचुएशन करेक्ट नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूं, वो है IFRS। अच्छा, IFRS फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब हम इंडिया में जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं AS, एंड फॉरेन कंट्रीज में जो फॉलो होता है उसे बोलते हैं IFRS। इसका एक और दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब हम इंडिया में क्या फॉलो करते हैं? AS और उसके बाद कुछ नंबर। फॉरेन कंट्रीज में क्या फॉलो होता है? IAS और उसके बाद कुछ नंबर, या फिर IFRS और उसके बाद कुछ नंबर। ओके, अब ये जो IFRS है ये हम डिस्कस करेंगे, मतलब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी जब अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अपने स्टैंडर्ड में हमने ऐसा किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऐसा होता है, तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैंने इसे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, डिटेल्ड डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर कब करेंगे? जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। इज दिस ओके? ये मेरा इनिशियल एक्सप्लेनेशन हुआ। जैसे मैंने बताया था, अभी पूरे एक्सप्लेनेशन का एक क्विक रिविजन करवाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये कॉपी करने का टाइम देता हूं। ठीक है, रिविजन ध्यान से सुनना प्लीज। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो हमने आंसर क्या बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वर्ड स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है? टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल, आइटम्स को सेम बनाना। आपको याद होगा यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? अमूल बटर के पैकेट का। मैंने क्या बोला था? अगर आपको कोई देता है 100 ग्राम पैकेट ऑफ अमूल बटर, स्टैंडर्ड पैकेट, तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्या आना चाहिए कि हर अमूल बटर का पैकेट विल हैव सेम शेप, साइज, टेस्ट, कलर, वेट एक्सेट्रा, मतलब इट विल बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बाद में हमने क्या बोला था? यहां पे हमें कौन सी चीज को आइडेंटिकल करना है? अकाउंटिंग को। तो मैंने पूछा था अकाउंटिंग मतलब माइंड में क्या आएगा? थिंग्स लाइक जर्नल एंट्रीज, लेजर, PNL, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, बराबर है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वर्ड अकाउंटिंग का एक स्पेशल मीनिंग है। क्या है वो मीनिंग? अकाउंटिंग मतलब पांच चीजें। क्या? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट,
ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। और अगर आपको याद होगा, हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन, कि जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं अपने क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जैसे एसेट्स यूज हो रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है। ये कम जो हो रही है वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। रिकॉग्नाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं कि उसकी वैल्यू कितने अमाउंट से कम हो रही है। मेजर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट देने का। क्या ट्रीटमेंट हमने बोली थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होएगा और फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट होएगा। उसके बाद बोला प्रेजेंटेशन। क्या होगा प्रेजेंटेशन? टोटल जो हमने ट्रीटमेंट की है वो टोटल अमाउंट पीएनएल में डेबिट होएगा। और आखिरी स्टेप क्या था? डिस्क्लोजर। डेप्रिसिएशन की डिटेल्स कहां पे डिस्क्लोज की जाएगी? नोट्स टू अकाउंट्स में। उसके बाद हम प्रोसीड हुए थे लॉजिक पे, ऑब्जेक्टिव, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए। तो हमने क्या डिस्कस किया? दो इंपॉर्टेंट रीजन से बनाए गए। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में मदद करता है। किसी को याद है हमने इसके लिए कौन सा एग्जांपल लिया था? मैं याद दिला देता हूं, हमने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट, एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, 2 नैनो कार्स, याद आ रहा है? एंड अमाउंट कितना दिया गया था? 1,60,000, बराबर है? एंड हमने क्या बोला था? वो अमाउंट देख के अपने माइंड में डाउट नहीं आता है कि ये अमाउंट 1,60,000 क्यों है, ये 2 लाख क्यों नहीं है। क्यों डाउट नहीं आता है? क्योंकि हमें ऑलरेडी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मालूम है जिसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन हुई है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं? AS2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने कौन सा समझा था? कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं तो इट विल हेल्प इन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। अभी कंपेरिजन जो है परफॉर्मेंस का, वो दो टाइप का है। कौन सा दो टाइप का? पहला, खुद का इस साल का परफॉर्मेंस विद खुद का पिछले साल का परफॉर्मेंस, एंड दूसरा, खुद का इस साल का परफॉर्मेंस विद अपने कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने क्या बोला था? हमें इंपॉर्टेंट समझना है इस टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, एंड इंपॉर्टेंट दो टाइप का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको समझाया कि मार्क्स कितने मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, और दूसरा रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो आप जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप समझ पाओगे, ओनली इफ यू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और फाइनल सीए लेवल पे हर चीज का लॉजिक मालूम होना बहुत जरूरी है टू बी एबल टू हैंडल एग्जाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने पूछा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है। अपना आंसर क्या है? कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? सबसे पहले लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसे देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाए जाए। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की है। उसे क्या चेक करना है? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो ऑडिट कर रहा है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाए गए हैं या नहीं। अगर बनाए गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाए गए तो ऑडिटर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना, कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको इन्फॉर्म करना कि तुम्हारी कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए गए। अभी ऑडिटर शेयर होल्डर को कैसे इन्फॉर्म करेगा? ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करके। एंड जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया रहेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अभी नेक्स्ट हमने क्या बोला था? कौन सी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी चाहिए, मतलब कंपनी अलग अलग अथॉरिटी को अलग अलग चीजें सबमिट करेगी। सो कौन सी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी चाहिए? तो मैंने बोला था जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, क्या बोला? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाने चाहिए। एंड मैंने बोला था जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कितनी चीजें? 4 चीजें। क्या आएगी उसमें? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 चीजें कंपनी जब बनाती है, कंपनी को उन्हें
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बनाना है। एंड यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया था कि कौन सी चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेट से हमने बोला अगर कंपनी एक लेटर लिख के देती है स्टॉक एक्सचेंज को, तो क्या वो लेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लेटर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी इन चार चीजों में से कोई भी चीज सबमिट करती है, तो क्या वो चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना जरूरी है? हाँ। इज इज ओके? ठीक है। नेक्स्ट मैंने पूछा कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडिया में, तो मैंने बोला अपना इंस्टीट्यूट ICAI 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू कर चुका है, 1 to 32, जिसमें से AS8 कैंसल हो गया। मतलब आज की तारीख में एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में कितने हैं? 31, टोटल 1 to 32, जिसमें से AS8 कैंसिल हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कैटेगरीज। ये पॉइंट में हमने क्या समझा कि रियल लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसे फॉलो करना है, किसे फॉलो नहीं करना है। तो क्या हमें फॉलो करना है? नहीं। किसे फॉलो करना है? सिर्फ कंपनीज को फॉलो करना है। बाद में हमने क्या समझा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारी कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी है? नहीं। CA इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सारी कंपनीज को डिवाइड कर दिया है कैटेगरीज में। क्या कैटेगरीज है? Level 1, Level 2 और Level 3। एंड डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, आपको पता चलेगा कि आपको कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। लेकिन आपको याद रखना क्या है, मैंने बोला था ये तीन कैटेगरी मैंने मेंशन की खाली आपके नॉलेज के लिए। रियल लाइफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो हमें अज्यूम करना है कि जो भी कंपनी क्वेश्चन में दी है वो Level 1 एंटरप्राइज है, और अगर वो Level 1 है तो उसको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। और आखिरी मैंने सिर्फ मेंशन किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन ये क्या चीज है, ये हम कब डिस्कस कर पाएंगे? जब हमारे सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, एंड अपने स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इज दिस ओके?